गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज के वीडियो में हम लोग प्रोज का तीसरा चैप्टर ए फिंच ऑफ स्नोप, जिसके नोबलिस्ट मनोहर मालगोनकर जी लिखे हैं, जो कि आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। तो ये फिंच ऑफ स्नोप का मतलब क्या होता है, एक चुटकी सुगनी, ठीक है ना। और यह एक शॉर्ट स्टोरी है, जिस तरह हमारा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल ऐसे था, भारत इज माई होम स्पीच था, ठीक उसी तरह फिंच ऑफ स्नोप जो कि शॉर्ट स्टोरी है, और इसके लेखक हैं मनोहर मालगोनकर, जो कि एक नोबलिस्ट थे, जिस तरह गांधी जी आपका स्पिरिचुअल लीडर थे और जाकिर हुसैन आपका नेशनलिस्ट थे, ठीक है ना। इसी तरह नोबलिस्ट अगर पूछेगा कि मनोहर मालगोनकर क्या थे, तो बोल देना डियर कि यह नोबलिस्ट थे, ठीक है। मनोहर मालगोनकर का जन्म देखो बाबू 1913 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 2010 में, ठीक है ना। 2010 मृत्यु इसमें मेंशन नहीं किया है। एज इज ए वेल नोन एंड नोबलिस्ट, नोबलिस्ट के लिए विख्यात थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा के लिए विख्यात थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, अपने दम पर 25 वो पब्लिकेशन किए, प्रकाशित किए शॉर्ट स्टोरी और नोबलिस्ट को, ठीक है ना। टू हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कामें हैं जो हम लोग इसमें ब्लैक्स में जो डार्क में दिया है, डिस्टेंस ड्रामा, द प्रिंस, ए बैंड इन गैंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर, ये इनकी बहुत सारी ये रचनाएं हैं। ये रचनाएं को हमेशा रिमेम्बर रखना, माइंडेड रखना, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका स्कोरिंग करें। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फिंच ऑफ स्नोप इज टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से लिया गया है, ठीक है ना। कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश से लिया गया है, क्या लिया गया है, तो फिंच ऑफ स्नोप लिया गया है। जिस तरह हिंदी में आप पढ़े होंगे कि संकलित किया जाता है, कौन पार्ट कहाँ से संकलित तो रहता है, ठीक उसी तरह। इज फुल ऑफ विट, ये पूरा का पूरा विट मतलब बुद्धि एंड एडवेंचर, साहसी का कहानी है, जिसमें कि एक साहसी और बुद्धि का कहानी है, जो कि नानू काका एक इसमें मेन कैरेक्टर में रहते हैं, उनका कहानी। द रीडर्स, पढ़ने वाले, ग्रहण करने वाले, एक्साइटमेंट इज बुल्ट ऑफ द थ्रो एंड एक्यूरेसी एंड द परफाउंड कॉमेडी, और ये कॉमेडी के रूप में एक्यूरेस दिखाया गया है ऑफ द मनोहर मालगोनकर नैरेटिव, मनोहर मालगोनकर जो कि नैरेटिव है, लेखक है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए कहानी चालू हो रहा है फिंच ऑफ स्नोप। मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी, माँ ने घोषणा कर मुझे हिला दिया कि नानू काका इज कमिंग, कि नानू काका आ रहे हैं। ये बात बोल रहा है कौन, तो ये बात बोल रहा है लेखक यानी मनोहर मालगोनकर बोल रहा है कि माँ ने मुझे हिला दिया अनाउंसमेंट कर कि नानू काका इज कमिंग, मामा जी आ रहे हैं। सी सैड, वह कही, यानी माँ कही, क्या कही, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, लेखक बोल रहा है यानी मनोहर मालगोनकर जी बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँ। कुडंट वी सेंट हिम ए वायर सेइंग यू आर लिविंग, क्या तार नहीं भेजा जा सकता है कि हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं, डैट या आई एम ट्रांसफर और समथिंग, चाहे हम लोगों का दूसरा जगह रूपांतरित हो गया। ये माँ से बात बोल रहा है कि माँ वैसा कर दिए कि तार भेज दीजिए और बता दीजिए कि हम लोग दूसरे जगह पर, हम लोगों का बदलाव हो गया। लेकिन देखिए ओ डियर, नहीं प्रियर, माँ बोल रही है अपने बेटे से, माने लेखक से, मदर सेड, माँ कही यू मस्ट बी ऑलरेडी ऑन ट्रेन, वो ट्रेन पर होंगे, ठीक है ना। बिसाइड, इसके अलावा, सी एडेड रिसूरिंगली, वो मुझे संबोधित की, माँ ने मुझे एडेड किया, जोरा रेसुंगली मुझे संबोधित की कि ही से, वह कहते कि ही कैन नॉट स्टे हेयर मोर 2 and 3 days। इसको अंतर बाबू इसको अंडरलाइन कर लेना, कितना दिन के बोली थी कि मैं 2 से 3 दिन से ज़्यादा, वो बोल रहे थे कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा ठहरेंगे नहीं, ए लड़का देखिए 2 या 3 दिन से ज़्यादा हम ठहरने वाले नहीं हैं। तो व्हाट इज कमिंग टू दिल्ली फॉर इट इन दिस हॉट, इस गर्मी में दिल्ली से दिल्ली क्या करने आ रहे हैं, लेखक पूछ रहा है माँ से कि इस गर्मी में दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। तो ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मंत्री से मिलने आ रहा है। पूछेगा किससे मिलने आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में बोला कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं। व्हाट, क्या, डैट्स मीन ही विल बी हेयर फॉर वीक, इसका मतलब वो एक सप्ताह रहेंगे। मिनिस्टर डू नॉट सी फॉर वीक एंड मंथ, वहाँ मंत्री लोगों से सप्ताह और महीने तक नहीं मिलते हैं। ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना। इस तरह लेखक बोल रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मंत्री लोग तो सप्ताह और महीना लगा देते हैं मिलने में, ठीक है ना। इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी मिनिस्टर, यदि तुम्हारे नानू काका, जो तुम्हारे नानू काका हैं यानी तुम्हारे भाई, वो मंत्री से मिलना चाहता है, तो आई एम एश्योर, आपको मैं विश्वास दिला दूं कि ही विल मैनेज टू सी हिम, वे अपने ही मैनेज करेंगे देखने के लिए। मदर से, माँ कही एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, रात या दिन किसी समय वो मिल सकता है मेरा भाई। मदर वाज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल
टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ हमेशा अपने मायके के पक्ष में होती है, लॉयल का मतलब होता है वफादार, और हर फैमिली माने अपने मायके के पक्ष में हमेशा होती है, एंड मतलब और आफ्टर ऑल, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, नानू काका हर ब्रदर, नानू काका आपका भाई जो ठहरा, आई ऑन द अदर हैंड और दूसरे तरफ माई है मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, और दूसरे मेरे दिमाग में मंत्री के कॉम्प्लेक्स चल रहा था, रहने होने की चाहे मिलाने की बात चल रही थी। आई एम ए अंडर सिक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं प्रोबेशन के पद पर मैं अंडर सिक्रेटरी हूँ, सिक्रेटरी भी नहीं हूँ, अंडर सिक्रेटरी हूँ मतलब सिक्रेटरी के नीचे हूँ, एंड एज सच ट्रेनड, और मुझको ट्रेन किया जाता है, और मुझे कोई प्रतीक्षा दिया, प्रतीक्षण किया जाता है, टू द रिग्रेट मिनिस्टर एज बिगेन टू स्टेप हायर देन गॉड, कि मंत्री से ना बोले सॉरी यहाँ पर देखना कि हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है, रिग्रेट की मिनिस्टर एज द बिगेन टू स्टेप हायर देन गॉड, भगवान से दो कदम ऊपर मिनिस्टर होते हैं, कौन कितने कदम ऊपर, दो कदम ऊपर मिनिस्टर होते हैं, और सेक्रेटरी बिगेन जस्ट वन स्टेप हायर, और सेक्रेटरी एक कदम ऊपर होता है, ऐसे हम लोग को ट्रेन किया जाता है, और हमारे बस की बात नहीं है कि मैनेज करना, मंत्री से मिलाना, इसीलिए तो और मैं तो खुद अंडर सेक्रेटरी हूँ और खुद एक प्रमोशन का पद पर हूँ, ठीक है ना, इस तरह अपना छुटकारा दिला रहा है, माँ से बहस हो रही है लड़का में। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था, व्हेन द ट्रेन केम इन द ट्रेन, आई और नानू काका स्टूड इन द सेकेंड, नानू काका स्टूड इन द डोर अवे ऑफ द सेकेंड क्लास ऑफ द कैरेज, नानू काका सेकेंड क्लास मैंने सेकेंड बोगी में वहाँ पर स्टूड थे, खड़े हुए थे डोर अवे पर, डोर अवे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा कि नानू काका कहाँ पर खड़े थे, डोर अवे मैंने निकलने वाली रास्ता, जहाँ पर ट्रेन की जो बोगी से निकला जाता है उस रास्ते को डोर अवे कहते हैं। ए श्रृंखली फिगर, एक चमचमाता हुआ चेहरा, एक श्रृंखली फिगर, व्हाइट हेयर उजली केश है, विथ द इम्प्रेसिव मोस्टाच और प्रभावित कर देने वाली मूछे, ठीक है ना, विथ स्टील वेयर ए ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैंक्स कोट और पुराने टाइप का लंबी, पुरानी फैशन के लंबी काली कोट जो कि ठेहुना तक होता था उसको पहने थे, एंड रेड सिल्क पगड़ी और लाल रेशमी तरफ का पगड़ी बांधे हुए थे, एंड डेसनी ब्राह्मण एकदम ब्राह्मण के रूप में, एंड ड्रेप्स ए व्हाइट अंगौछा और अपने ड्रेप का मतलब होता है रखना, और उचला गमौछा रखे थे, राउंड हिज शोल्डर अपने शोल्डर पर अपने कंधे पर उजला गमौछा रखे हुए थे। एज वेंट ऑफ मैंने जैसे उनके पास गया था, ही हैंडेड मी ए बास्केट मुझे एक टोकरी धरा दी, और दिस और टेक दिस आउट क्विकली और इसको बोला कि तुम लेकर बाहर जाओ, ही विसरेड वो मेरे कान में बोले कि तुम इसको लेकर बाहर जाओ, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन मैं स्टेशन के बाहर तुमसे मिलता हूँ, आई आस्केड नो क्वेश्चन मैं भी कोई प्रश्न नहीं पूछा, द आई टॉकेट द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टॉर्नेड, आई टॉकेट का मतलब हुआ मैंने उठाया बास्केट अपने आर्म में अपने कंधे में अपने कांख में बास्केट को दबाया, और उसके बाद से मैं क्या किया टॉर्नेड और मैं चला निकल गया, ओनली टू बम्प इन टू द एन इनोरोमस मरवारी, देखो इनोरोमस का मतलब एक भारी भरकम, बम का मतलब होता है टकराना, ठीक है ना, तो मैंने क्या देखो तो ओनली टू बम्प इन टू द इनोरोमस मरवारी ओमेन, मैंने एक मरवारी भारी भरकस मरवारी की औरत से क्या किया बम कर गया मतलब टकरा गया, क्या कर गया टकरा गया, और मैं टकराया तो हाथ मेरे बाह में क्या थी भैया तो बास्केट थी, अपने बाह में बास्केट दबाया मैं निकला था, ठीक है ना, टकरा गया, हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुरका, वो अपना सिर बुरका से ढकी हुई थी, ठीक है ना, बट माई एपोलॉजी वी आर ड्राउनेड बाई एस्ट्रेंट साउंड, बट लेकिन माई एपोलॉजी मेरी क्षमा, मैंने क्षमा मांगा जब उसे टकराया तो माई एपोलॉजी वी आर ड्राउनेड, मेरी क्षमा जो है ना ड्राउनेड उसको दाब दिया गया बाई एस्ट्रेंट साउंड, गजब की आवाज आ रही थी कोची में से आ रही थी, इमेंटिनिंग फ्रॉम द बास्केट, बास्केट जो आवाज निकाल रही थी ना तो मेरी एपोलॉजी की जो साउंड थी ना क्षमा की सामित साउंड थी ना उसको क्या कर दी ड्राउनेड कर दी बाधित कर दी, इसको मतलब कि क्षमा की साउंड उसको औरत को नहीं सुना पाया, ठीक है ना, उसके बाद से द प्रोटेस्ट ऑफ द आउटरेगेड किटन, और उसमें जो किटन की जो
बिल्ली की जो बच्ची को किटन बोलते हैं वहाँ पर से वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके विरोध में स्पीट स्ट्रॉप इधर उधर की आवाज़, उसके बाद म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आने लगी और मैं इससे क्या हो गया, घबरा गया। उसके बाद आई डॉकेट रैन और मेरे मुरी नीचे गार कर रैन हुआ, भाग दौड़ पड़ा, मुरी नीचे सिर को नीचे दाबे ही मैं क्या किया, दौड़ पड़ा एंड मिगलेड विथ द क्राउड, और मिगलेड विथ द क्राउड और भीड़ में जाकर मिल गया, कुछ में मिल गया भीड़ में, हाँ द सिक्वेंस ऑफ थ्रो, और मेरी जो साइज हो गई ना सिक्वेंस थ्रो, जिस तरह नींबू को नहीं निचोड़ दिया जाता है उस तरह मैं निचोड़ा गया था, जिस तरह नींबू की रस निचोड़ देने के बाद नींबू की जो साइज हो जाती है उस तरह मैं निचोड़ा गया था। एंड द गेट इन टू द वेक ऑफ सिक्का मैरिज पार्टी, और सिक्का मैरिज पार्टी को गेट तक निकला गया, ठीक है ना। नानू काका वाज लॉन्गिंग टाइम कमिंग, नानू काका लंबे समय बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, स्टेशन को जो यार्ड था ना आंगन वो लगभग खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और अंतिम टोंगा था वो भी चला गया था। व्हेन द इमरजेंट एस्कॉर्टेड बाई द फोइंग टिकट इंस्पेक्टर, और उसको इंस्पेक्टर जो होता ना टीटीआई, उनको लग रहा था कि तलाशी लेते हुए या उनको बहुत भाव से उनको छोड़ रहा था। नो रूम इन द थर्ड क्लास, वो मुझसे बता रहे थे कि थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, मैंने कोई जगह नहीं था। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और बिना रिजर्वेशन का सेकेंड क्लास का टिकट, बिना रिजर्वेशन का सेकेंड क्लास का टिकट वो देने वाले, इशू करने वाले नहीं थे। नानू काका एक्सप्लेन, नानू काका ने व्याख्या किया, एज मुझसे बताया, एज ही कैम अप टू मी, और मेरे पास आए, हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास टिकट, देखो हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास, मेरे पास हैड टू ट्रेवल, मैंने यात्रा किया सेकेंड क्लास के टिकट, यात्रा किया सेकेंड क्लास पर एंड थर्ड क्लास टिकट, मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट होते हुए भी मैं सेकेंड क्लास पर यात्रा किया, ये बात अपने भगिना को यानी लेखक को नानू काका बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, बट इट ऑल माई अरेंज क्विक एक एमिकेबली, और ये जितने अरेंज किया ना क्विट एकेबली, बहुत मतलब दोस्तीगिरी से सब अरेंज हुआ, मतलब लेखक दोस्तीगिरी का मतलब हुआ ना, जिसमें नानू काका और उनके इंस्पेक्टर दोस्तीगिरी से सब अरेंज किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी ना, बहुत युवा और बहुत सुंदर अच्छा व्यक्ति था, ऐसे बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, यू साव, तुम देखते हो हाउ कैसे ही इवन केम राइट, मैं कैसे यहाँ पर आया आउट विथ मी तुम्हारे साथ, सो इसलिए डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, क्योंकि हमको कोई दिक्कत ना हो, नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको टीटीआई यहाँ तक छोड़ कर गया। द किटन ऑफ कोर्स, और ये बिल्ली के बच्चा फ्री में ट्रेवल, फ्री में यात्रा की है बिल्ली के बच्चा, तो हाउ इट इज, ये कैसा सब हो गया, माने लेखक पूछे ये सब कैसे हुआ, तो देखो वेरी क्विट आई सेड पर्पस इट इज डाइड, मुझे शायद लगा कि आई थो द होपफुल कि शायद मर गई है, होपफुल हूँ मैं, आई थॉट होपफुलनेस, मैं आशाकृत हूँ कि शायद मर गई है, कुछ आवाज़ नहीं दी कर रही है। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार पर गए, इवन बिफोर, इसके पहले कि आई हैड द चेंज इन टू द सेकेंड गियर, मैं सेकेंड गियर लगाने ही वाला था, तो नानू काका आस्केड, नानू काका मुझसे पूछे कि व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, कब मंत्री से मिलाने का मुझे प्रबंध कर रहे हो। कांट स्टे हेयर मोर टू डे, दो दिन से ज़्यादा मैं ठहरने वाला नहीं हूँ, थ्री एट द मोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन तक रुक सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपका जो 70 नंबर पैराग्राफ है यहाँ से पढ़ाऊँ, इट इज़ अ टाइम टू फ्रेकनेस, ये साफ साफ कहने का समय था। लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड, मैं कहा, आई एम एन मेरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं प्रोबेशन के पद पर एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ठीक है ना। एंड इट्स मोर देन माई जॉब टू वर्दी टू गो टू आस्किंग फॉर द इंटरव्यू इन मिनिस्टर, और मेरे काम से कहीं ज़्यादा उपयोगी मंत्रियों का इंटरव्यू लेना है, मेरे काम से कहीं वर्दी है, माने लायक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका इंटरव्यू लेना, मंत्रियों से जाकर आस्किंग करना, इंटरव्यू के बारे में पूछना, ठीक है ना। ओह नानू काका सैड, नानू काका का हुए, थोड़ा ओह किए, मतलब थोड़ा नाराज हुए, और कहें आई हैड रेदर होपेड, वो थोड़ा नाजुक हो गए, थोड़ा आशाहीन हो गए। ओह आई सी, चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, वेल अच्छा है, नेवर माइंड, तुम चिंता मत करो, तुमसे नहीं होगा तो मैं देख लूँगा, ये लेखक को बता रहे हैं नानू काका। ही टुक एक फिंच ऑफ स्नूक, उन्होंने एक चुटकी सुंघनी निकाली एंड ब्रशेड हिज फिंगर, अब अपने अंगड़ी से कस कर रगड़ा,
खैनी को, सुगनी को खैनी आप मत समझना, डेलिकेटेड नाजुक ऑन द हिज गमौछा, और नाजुक बाउस अपने गमौछा को अंगौछा को घींचा, एंड सेट बैक और पीछे घसक कर क्या किए, बैठ गए, क्लोजिंग हिज आई और अपने आँख को बंद कर लिए, और उसके बाद हैंड पर देखो, इसके बाद पॉकरिंग हिज द आईब्रो, और अपने आईब्रो को जो होता है ना, पॉकरिंग का मतलब होता है ना अपने आईब्रो जो होता है ना भौरी, उसको ऊपर नीचा घुमाने लगना, ऊपर नीचा घुमाने लगे, एज ए थ्रोट इन द डीप थाउट, ऐसा लगा कि कोई गहरे सोच में है, आँख बंद कर कर अपने आईब्रो को अपने भौरी को क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि डीप थ्रोट किस कोई गहरे सोच में है। ही एल्सो कोलोकेड हिज टॉन्ग सेवरल टाइम, ठीक है ना, तो उसके बाद से क्या किए कि अपने ये जीभ को निकालें और क्लोकेड किए, इधर उधर चटपटाएं, इधर उधर चटपटाएं, जिस तरह गाय नहीं खाकर थोड़ा जीभुआ को इधर उधर पानी पीकर ऐसे करती है, तो ठीक उसी तरह चटपटाएं, सेवरल टाइम इन द टाइपिकली, ठीक इसी पर डेस्टिनी अवे ऑफ द रेस्ट्रिक्टिंग पिट्टी, ठीक है ना, इस दया की तरह। अब देखो इसके यहाँ तक ये बात, सभी बात कहाँ पर हो रही है, तो ये गाड़ी पर हो रही थी, ठीक है। अब 19 नंबर देखो पैराग्राफ, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, है डोर स्टेप, और माँ जो है ना चौखट पर इंतजार कर रही है, माँ कहाँ पर इंतजार कर रही है, हर फेस रेथ्रेड इन स्माइल, उनका चेहरा ना मुस्कान से भरा हुआ है, कौन चीज से भरा हुआ है, एंड सी वेंट फाउंड, और उनको पाया गया, भला सॉरी, और सी वेंट इन टू द, यही ना जी, सी वेंट वो गई इन टू द सीक्वेंस ऑफ द डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड फॉर लॉट्स ऑफ फोकस ऑन, वो बोले कि मेरे लिए भी बहुत बिल्ली आ रही और क्या क्या जो आ रहा है, फोकस ऑन का ओवर का मतलब हुआ, और इससे लिए वो क्या थी, बहुत गच थी, मतलब बहुत खुश थी। नानू काका आई एल्सो फाउंड, मैंने क्या पाया, डैट की सी हैड इंस्टॉल्ड ही इन द बेडरूम, मुझे बेडरूम में इंस्टॉल किया गया, मुझे मतलब नानू काका को कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो बताना बाबू कि बेडरूम में इंस्टॉल किया गया, किसके बेडरूम में, तो ऑथर के बेडरूम में, ठीक है ना, इंस्टॉल मतलब उनको ठहराना, इंस्टॉल का मतलब हुआ बाबू ठहराना, ठीक है ना, उनको ठहराया गया, सो डैट, और ऐसे आई हैड ए पुट ए चरपाई, और उनको एक चरपाई दिया गया जिसको खटिया बोलते हैं, फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, पीछे वाली बरांडा में थी, ठीक है ना, एट मदर इंस्टेंसेस, और माँ की जिद पर, माँ की जिद पर आई हैड टेकन टू डे लीव्स फॉर ऑफिस, ऑफिस से मुझे दो दिन के लिए छुट्टी भी लेना पड़ा माँ के जिद पर, क्योंकि मामा जी को घुमाने जो ले जाना था, एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दोपहर के बाद हम नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक पर ड्रॉप किए, मतलब छोड़े गाड़ी चला कर, ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलने गए, एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्क में इंतजार कर रहा था, ठीक है ना, लेखक और लेखक मतलब भगीना और मामा जी मतलब नानू काका, वो कार से दोनों लोग कहाँ गए हैं, आप तो नॉर्थ ब्लॉक में गए हैं, लेखक वहाँ पर जो है मनोहर मंगोलकर कार पर इंतजार कर रहा है, और मंत्री जो माने लेखक और जो सॉरी नानू काका जो हैं वो मिलने गए हैं मंत्री से, कार पर इंतजार कर रहा है। इट वॉज टू आवर बिफोर ही रिटर्न्ड बम्बलिंग कलरफुल मराठी सीवियर वर्ड्स, दो घंटा के पहले वो रिटर्न हो रहे हैं और बम्बलिंग मतलब बरबराते हुए आ कलरफुल माने रंग बिरंग के मराठी स्वेड मराठी में गाली देते हुए निकल रहे हैं, कौची भाषा में मराठी स्वेड में मराठी में गाली देते हुए निकल रहे हैं। अब लेखक बोल रहा है आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम, मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मुझे पूछने की हिम्मतें नहीं हुआ, मुझे प्रश्न पढ़ने की हिम्मतें नहीं हुआ कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हाँ व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, मुझे प्रश्न पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई लेखक को। एंड ड्रॉप विथ बेइंग सो ड्रॉप विदाउट सेइंग द वर्ड, और मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया बिना कुछ कहे, विदाउट सेइंग वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ठीक है ना। ही कूल्ड डाउन ए लिटिल, थोड़े देर बाद में लिटिल हुआ, थोड़े देर बाद में वो जब शांत हो गए, कूल्ड डाउन लिटिल हुआ मतलब थोड़े देर बाद में नानू काका शांत हो गए, दाऊ तो सोचा एंड सेट और कहा टू आवर, दो घंटा हमको जानते हो क्या किया, आई स्पेंट बीगिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन चरपाई टू अनदर, वन चपरासी टू अदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तरह हमको ट्रांसफर करते रह गया ससुरा, इसी तरह बोला जाता है, मतलब क्या होता है, देखो तुम कभी जब जाते हो जाती वासी बनाने ब्लॉक ब्लॉक में, तो तुमको इस चपरासी से उस चपरासी इस तरह किया जाता है, चाहे नाम एडमिशन के पीरियड में ऐसा सेशन देखने को मिलता है, ऐसा कंडीशन मिलता है कि जाओ यहाँ पर सिग्नेचर कराओ ये कराओ, ठीक उसी तरह इनको नानू काका को इस जगह से उस जगह चपरासी से ट्रांसफर कर रहा था।
ट्रांसफर कर रहा था। ट्रैपिंग थ्रो ऑफ द कोरोडियर्स एंड इंड में सक्सेस, और अंत में हमको बताया इन सक्सेस इन गेटिंग डिप्टी सेक्रेटरी, और जो डिप्टी सेक्रेटरी मुझको बताया गिव मी अपॉइंटमेंट दीज थ्री डेज आफ्टर नाउ, तीन दिन के बाद अपॉइंटमेंट लिखो तब तीन दिन के बाद तुमको मंत्री से भेंट होगा, अंत में बताया ये सब। देखो समझ में आ रहा है ना, अंत में बताया, क्या बताया अंत में कि तीन दिन के बाद, थ्री डेज फ्रॉम नाउ, आज से तीन दिन के बाद, आज से तीन दिन के बाद जो अपॉइंटमेंट तुम दोगे, गिव लिखा ना गिव मी एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, मैंने उस पर लिख कर दो कि क्या काम से है, तब तुमसे तीन दिन के बाद हमको क्या करेंगे, मिलेंगे, अंत में हमको बताया। तब बोला सेमफुल सेमफुल, तुमको शर्म आनी चाहिए, कैसा व्यवस्था है, ठीक है ना, ठीक है ना, सेम्पुल सेमी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो आप लोग को शर्म आना चाहिए, क्या बेहतर। एंड देयर वेयर एनोदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेनेटिव, आज जब दूसरा बात आती थी तो मराठी में एक्सप्लेटिव करते थे, मराठी में गाली देते थे भैया, क्योंकि हिंदी में देंगे तो पकड़ा जाएंगे। इन द लिंग्विस्ट इमरजेंसी, और उनकी जो भाषा थी ना इमरजेंसी पीरियड में, आपातकालीन में, माई अंकल ऑलवेज टर्नेड टू हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में गाली देते थे बाबू, मदर टंग में अपनी गाली देते थे, ठीक है ना, यानी मराठी में गाली देते थे। इसके बाद से देखिए, ए गार्निश येलो स्पोर्ट कार, एक गार्निश मतलब हुआ सुंदर, एक पीली स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट मतलब क्या है, एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार फ्लेशेड पास्ट ऑस, हमारे बगल से गुजरी, पास्ट मतलब पहले से गुजरी, और दम चमकते हुए ऑस बार्लिंग, और दम चमचमे हॉर्न इन द अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और उनका जो हॉर्न था ना अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट का लगातार ब्लास्ट मतलब जोर से आवाज़ देते हुए मेरे बगल से गुजरी। द यंग मैन एट द व्हील वेवड हिज द हैंड एट मी, उसमें एक यंग व्यक्ति था जिनको वेव किया, हाथ से इशारा किया, किसको, नानू काका को, व्हाट ए रूड मैन, नानू काका बोला व्हाट ए रूड मैन, कितना बेवकूफ़ व्यक्ति है, कितना नालायक व्यक्ति है, एक्सक्लेमेटरी का मार्क्स है रूड मैन में, देखो बताए ना कि व्हाट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, व्हाट के बाद आएगा, तो पढ़ाए थे ना, हाँ, हु वाज डेट, वह कौन था, नानू काका आस्क, नानू काका पूछा, जो हाथवा हमको हिलाया गड़िया पर से, सिटी इतना तेज तेज बना था, कौन था, इतना रूड व्यक्ति, चाप कॉलेड रतिराम, चाप का मतलब बंदा जो था ना ये रतिराम था, यही बंदा रतिराम था, वर्क्स इन सेम मिनिस्टर एज माइन, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है मामा जी, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है, आई सी, अब समझा, ठीक है, लिखा एक बार आई सी, अब समझा, देयर आर सम टॉकिंग अबाउट हिज गोइंग एज द ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, इसकी बात चल रही थी कि यही जो हजरत बरकत अली, देखो इसको, देयर वॉज सम टॉकिंग अबाउट इज गोइंग एज, इनकी बात चल रही थी कि ट्रेड कमिश्नर के रूप में, ट्रेड मतलब व्यापार के रूप में, ये हजरत बरकत अली के पास जाए, मतलब ये लेखक बोल रहा है मामा जी से कि इनकी बात चल रही थी, बात कहानी समझ में आ रही ना, इनकी बात चल रही थी ना कि टॉकिंग अबाउट हिज गोइंग एज, ये जाए कौची के रूप में, एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, बरकत अली के पास जाए, ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाए, ऐसी बात चल रही थी, मैंने सुना है, ये लेखक अपने मामा जी से बोल रहा है, यानी मनोहर मंगलकर अपने नानू काका से बता रहे हैं। यू नो, तुम जानते हो ना, द एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब तुम जानते हो ना कि एम्बेसडर है, राजदूत है, बट देश है, लेकिन वे लोग कहते हैं इट इज ऑल ऑफ नाउ, अब ये सब खत्म हो गया, ही सेड आई मे कहा जस्ट मे के कन्वर्ट कंसर्वेशन, मैंने इसको बनाना रोकने का बनाने का प्रयास किया, ऐसे मतलब रोकने को बनाने का प्रयास का मतलब, इस बात को मैंने दबाया, कौन था लेखक, हुआ तो ये बता रहे हैं कि व्हाई डू नॉट यू गेट सेंट आउट ऑफ वन ऑफ द दीज ऑफ द फॉरेन मिनी असाइनमेंट, तुम क्यों नहीं फॉरेन असाइनमेंट चले जाते हो, विदेश के असाइनमेंट का मतलब हुआ नियुक्ति के लिए, विदेश की मतलब असाइनमेंट का मतलब हुआ, मतलब वहाँ पर लेखभाल करना, किसी को माने ऑफिशियल चीज़ से कुछ चीज़ को देखभाल किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं असाइनमेंट, मतलब परीक्षा उरीक्षा के तौर पर, तो तुम क्यों नहीं चले जाते हो, ये बात कौन बोल रहा है, तो नानू काका बोल रहे हैं अपने भगिना से, नानू काका आस्क, नानू काका पूछे कि तुम क्यों विदेश असाइनमेंट में नहीं चले जा रहे हो, तो टू गेट सेंड ऑफ द फॉरेन असाइनमेंट इन द सेम कैटेगरी,
तो बोल रहे हैं, तो ये लेखक बोल रहा है कि इसमें सेम कैटेगरी वही लोग जाते हैं जो उस पद पर होते हैं, सेम कैटेगरी गेटिंग इंटरव्यू विथ द मिनिस्टर, ठीक है ना, मंत्री से इंटरव्यू देने वही जाते हैं। अंकल मामा जी आई सेड में कहा सम व्हाट अनकाइंडली, मैंने बेवरूही से बात कहा, अनकाइंडली मैंने बेवरूही से मैं बात कहा, इट्स टेक पूल, इसमें पैर भी लगानी पड़ती है, इसमें पैर भी लगानी पड़ती है। रात और रतिराम इज द सोन ऑफ सोहन लाल रतिराम, रतिराम जो बेटा था ना वो किसका बेटा था, तो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। रतिराम किसका बेटा था, सोहन लाल रतिराम का बेटा था, किसका बेटा था, हाँ। यू नो आप जानते हैं द पार्टी बोस इन दिल्ली, और ये दिल्ली पार्टी के बोस है, मालिक है, दिल्ली पार्टी का बोस है, और आप बोल रहे हैं कि हमको चल जाने के लिए विदेश। नानू का सेट ऑफ विथ जार्क, नानू का एक झटके में पीछे फिर भी आकर बैठ गए गरीब पर, ठीक है ना। व्हाट वाज डैट, क्या था, व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो, सोहन लाल रतिराम सर कि सोहन लाल रतिराम का बेटा है, हाउ एक्स्ट्रोडिनरी, कैसे, वेल अच्छा, आई लीन्ड बैक इन द सीट, मैंने सीट पर उलर कर बैठ गया, आई स्ट्रेटेड एट मी लॉन्ग टाइम, और मुझको एक तरफ स्ट्रेट किया, बहुत लंबे समय तक देखते रह गए लेखक नहीं नानू काका मेरे तरफ, समझ में आ रहा है ना। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो, यू हैव गॉट ए क्लोज, उसके बाद से पूछ रहे हैं कि यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, क्या तुम्हारे पास क्लोज, मतलब क्लोज का मतलब हुआ गोल, जोधपुर का कपड़ा है, कोट है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर जो वर्ड दिया है ना, क्लोज मतलब होता है ऐसा गला, जो कि गला का मतलब वो नहीं होता है, जो कि यहाँ पर गोल हो, ऐसा नहीं जो गोल होता है वो, ऐसा आपके पास जोधपुर वाला गोल टाइप का कोट है। तो बोला हैवेंट यू, क्या तुम्हारे पास है, गुड अच्छा, एंड कैन यू टाई टर्बन, क्या तुम टर्बन बांध सकते हो, मतलब टाई को तुम, मतलब होता है पगड़ी को तुम क्या बांध सकते हो, नो वेल मैं नहीं कर सकता हूँ, लेखक बोला नो वेल अच्छा, आई एम नो पुट इट ऑन द, ऑल दो आई एम नो एक्सपर्ट, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, मैं भी ज़्यादा तेज नहीं हूँ, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड, बोल रहा है कि टाई और कॉलर का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लेखक बोल रहा है टाई या कॉलर से कुछ होने वाला नहीं है, दिस डे आजकल, लेट्स होम चले घर चले, आफ्टर यू हैव चेंजेड, हम लोग कपड़ा बदले, यू विल गो टू सी हिम, उन लोगों को देखने गए, किन लोगों को, मंत्री लोग को, सी हुम किसको देखने जाए, हुआई लाला सोहन लाल, ऑफकोर्स सोहन लाल को देखने हम लोग चले, किसको देखने चले, मतलब ये लोग घर गए, फिर भी लाइन को समझ जाओ, देखो 30 के ऊपर देखना, लेट्स गो, चलो लेट्स गो होम, चलो हम लोग घर जाएं, आफ्टर यू हैव चेंज इट, उसके बाद हम लोग कपड़ा बदलें, यू विल गो, हम लोग जाएंगे एंड सी हिम, और उसको देखेंगे, किसको देखेंगे, हाँ सोहन लाल को, तो पूछ रहा है लेखक सी हिम किसको देखेंगे, तो हुआई क्यों नहीं, लाला सोहन लाल को ऑफकोर्स बेशक देखेंगे, किसको देखेंगे, हाँ तो 32 में देखिए, डू यू नो हिम एट ऑल, आखिरकार तुम उसको जानते हो ना, तो ये बोल रहा है 33 में ऑफकोर्स नॉट, क्यों नहीं, नानू काका सेड, नानू काका का कहें, आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुर वाला कोट को क्या किया, जोधपुर आई चेंजेड इनटू जोधपुर कोट, और जोधपुर वाला कोट को चेंज किया, एंड अंकल नानू काका टाई हॉग ऑर्गन टर्बन, और नानू काका मेरे सिर पर एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का, कौन कलर का, टर्बन बांधे, पगड़ी बांधे, राउंड माई हेड, मेरे सिर पर कैसा पगड़ी बांधे, ऑरेंज कलर का, ठीक है ना, पूछेगा, हाँ येलो का, ए सीट द एज द यू आर वी आर माई एयर स्पॉट ऑफ द एडीसी, तू मेरे एडीसी हो, देखो अब यहाँ पर बोलोगे कि सर एडीसी का मतलब क्या होता है, तो एडीसी का मतलब हुआ ना कि कुछ भी नाम देकर उनको बनाया जाता है, मतलब देखो कहने का मतलब, कहीं जाते हो कहीं पर तो किसी को चपलूसी देना पड़ता है तो अपने आप को बड़ा बनाते हो ना, ठीक उसी तरह अपने भगीना को नाम दे दिया एडीसी, क्या दे दिया, द कोजेसनेट मी एज द स्टार्टेड फॉर लाल सोहन लाल साउंड, हम लोग सोहन लाल के घर पर चले गए, द सेक्रेटरी इन द स्पॉटलेस, और जो सेक्रेटरी था ना स्पॉटलेस, जो सेक्रेटरी था सुरक्षा, किसका सुरक्षा, हाँ सोहन लाल का, स्पॉटलेस बिना दाग वाला कपड़ा में था, आ व्हाइट
क्लॉथ रिसीवेडॉस, उजला कपड़ा पहनकर वर्दी में था, उजला कपड़ा पहना था हम लोग का, वो स्पॉटलेस था, बिना दाग धब्बा का कपड़ा, दम उजला चमचमाता हुआ, हम लोग को क्या किया, रिसीवर्स, हम लोगों का स्वागत किया, हम लोग का स्वागत किया, क्या किया बाबू, हाँ, एंड अब स्वागत, एंड सो अस इन टू द कूल व्हाइट रूम, और हम लोगों को ले कर गया, मतलब दिखाया एक ठंडा उजला सा रूम, एक ठंडा उजला सा रूम, ठंडा उजला सा रूम का मतलब हुआ एसी वाला रूम में हमको ले गया, कहाँ ले गया, एसी वाला उजला रूम में ले गया। बिफोर, इसके पहले ही आस्केड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, और इसके पहले व्यापार पूछ लिया और बहुत विनम्रता से, वेरी पोलाइटली मैंने बहुत विनम्रता से पूछा कि आप लोग का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज से आए हैं। जस्ट ड्रॉपेड इन, मैंने इसको ड्रॉप किया, छोड़ा, लेकिन नानू काका सैड कैजुअली, नानू काका कहें आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वर्सेशन, मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ जमींदार कन्वर्सेशन में जमींदारों से बात करने, रेडली ऑन ऑफिशियल गैदरिंग, इसलिए गैदरिंग ना हो, यू नो सिंस वी जमींदार्स आर नॉट इन द एग्जैक्टली पॉपुलर देश, आजकल देश में जमींदार लोग ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वीपी हैज ऑल्सो सेंड मी केबल, और तुम जानते हो, देखो ये अब बोलोगे सर वीपी कौन है, तो वीपी वीपी कुछ नहीं है, फिर भी अपना नाम फेमस करने के लिए वहाँ पर ऐसे ऐसे नाम को धर रहा है, तो वीपी हैज ऑल्सो सेंड ए केबल, वीपी मुझे केबल भेजा है, ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहता है, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन ऑल टिन टुमारो, और वाशिंगटन से वो कल तक नहीं आएगा। देखिए कहाँ कहाँ नाता जो रहा, वाशिंगटन, वाशिंगटन समझते हो ना, जो कि कहाँ है, वाशिंगटन कहाँ है, अमेरिका में है, कहाँ में, अमेरिका में, वो अमेरिका में कल से नहीं आएगा। देखो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है कि सेक्रेटरी पूछेगा कि बा, उनको प्रभावित कर रहा है कि कितना बड़ा आदमी है, हाँ, तो बोला कि नहीं आएगा। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैं सोचा वो तो कल तक नहीं आएगा, तो मैं सोचा कि आई मेट एज सी यू लाला जी, मैं लाला जी से मिल लूँ, मैं तब तक नहीं आएगा कल तक, तो मैं सोचा किससे मिल लूँ, लाला जी से मिल लूँ, टेल हिम उस, और उसे कहा व्हाट अरेंजमेंट एंड जमींदार हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर बोर्ड, और तुम जानते हो ना जमींदार लोग जितने लोग होते हैं ना वो कृषि के वोट के लिए मैक बनाते हैं, अपना वोट बनाते हैं कोची के लिए, कृषि के वोट के लिए। उसके बाद देखो नानू काका स्टॉप ए ट्रेवल ऑफ एंड आई कुड सी, मैंने नानू काका को देखा ट्रेवल ऑफ, उनकी इतनी चापलूसी थी ना, वो सब ऑफ हो गई, चल नहीं पा रहा था, उसके पास दाल नहीं गल रहा था, किसके पास, सिक्योरिटी के पास, आई कुड सी, मैं देखा, कौन देखा, मैं मतलब लेखक देखा कि ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेसिंग ऑन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पर वो इम्प्रेसिंग नहीं दिखा रहे हैं, मैंने प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, हु वॉज जस्ट बींग पोलाइट, वो विनर्म होने जा रहे हैं और प्लेइंग इन सेफ, वो एकदम शांति से खेलते जा रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बोले वाशिंगटन बोले कब वी आई पी बोले कुछ भी बोले, लेकिन सेक्रेटरी पर दाल गलने वाला नहीं है। आई विल हैव टू सी, मैं देख रहा हूँ वेदर, यद्यपि लाला जी फ्री, शायद अब लग रहा है कि लाला जी फ्री हो गए हैं, ये बात कौन बोला, नानू काका बोला। तो देखो द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी का सेल्डम, कभी कभी सी, कभी कभी ई आर विजिटर विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, बिना पिछले वाले वो अपॉइंटमेंट के देखे हुए किसी से नहीं मिलते हैं, मतलब तुमको कितना भी तुम ढील लो वो जब तक अपॉइंटमेंट नहीं दोगे तो तुमसे मिलने वाले नहीं है, अपॉइंटमेंट देना करे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा भैया, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, नियुक्ति देना पड़ेगा विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, और देखो विजिटर मतलब होता है कार्ड, जहाँ पर लिखोगे कि तुम कहाँ से आए हो, पुराने विजिटर जब तक नहीं देखते हैं तब तक किसी से बात वह नहीं करते हैं। उसके बाद से आई है कि क्या है जी, लाला जी, लाला जी है, अच्छा इसमें लाला जी में हमको आई लगा इधर इधर, अच्छा लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी लग रहा है कि वह पूरा फुल फ्री होंगे, अब लाला जी मस्ट हैव बीन मतलब लाला जी अब पूरा स्वतंत्र माने फ्री हो चुके हैं, अब उनके पास कोई काम नहीं होगा, बिकॉज फ्रॉम द एड ज्वाइनिंग रूम, और इसके बगल ज्वाइन एड ज्वाइनिंग रूम का मतलब बगल वाले रूम से, बगल वाले रूम से ही कुड जस्ट हियर द अनहुरेड गुरगुल ऑफ द हुक्का, उसमें हुक्का की आवाज़ आ रही थी, देखो नानू काका को ना बगल वाले रूम से ना गुरगुल में हुक्का की आवाज़ आ रही थी, हुक्का जिस तरह गांजा वंजा नहीं पीते हो उसी तरह हुक्का पिया जाता है, एंड देन ही वुड हेयर, तब सुने कि थर्ड को ठाउटली सेक्रेटरी टॉकिंग हिम, और उसका जो सेक्रेटरी था ना राजशाही जो सेक्रेटरी था टॉकिंग टू मी उससे बात कर रहा था, ये बात कौन सुन रहे थे, तो नानू काका सुन रहे थे, कौन रूम से, तो एडज्वाइनिंग रूम से, बगल वाले रूम से। तब देखो ये क्वेश्चन अब कैसे कर रहा है,
व्हाट डे इट इज टुडे, आज कौन सा दिन है। ये नानू काका पूछ रहे हैं आज कौन सा दिन है। नानू काका आस्केड मी, नानू काका मुझसे पूछे, किससे, लेखक से, आज कौन सा दिन है। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजली लाउड वॉइस, मैंने सोचा कि इतने तेज से और काहे पूछ रहे हैं, इतना तेज से और ऐसे अच्छे भी काहे पूछ रहे हैं। मैंने भी बता दिया कि ट्यूजडे है, आज मंगलवार है। आई टोल्ड ही, मैंने कहा, ओह, तब देखो नानू काका, ओह ओनली ट्यूजडे एंड टू थिंक डैट ऑन संडे, और संडे को सोचो तो, संडे को सोचो तो आई वॉज इन बुरेट, हम लोग बुरेट में थे, बैरूट, हम लोग कहाँ थे, बैरूट थे। देखो ये किस तरह इंप्रेसिव कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, झूठो मूठो के, देखो यहाँ पर साँचों को नहीं बता रहा है, ये झूठो मूठो को लेखक बनो, ये लेखक को कंफ्यूज कर दिया, बताइए आज कौन सा दिन है। तो लेखक भी घबरा गया, अरे आज कौन दिन है, काहे से पूछ रहा है मम्मा, काहे से पूछ रहा है। तब वो लेखक को बोल दिया कि आज तो मंगलवार है। तो आई टोल्ड हिम, उससे कहा है, अरे सोचो मंगलवार है, सोचो हम लोग शनिवार रविवार को कहाँ थे, हम लोग रविवार के बुरेट थे, बैरूट थे, बैरूट थे, कहाँ था, अमेजिंग इजेंट, कल्पना करो कितना अच्छा था ना। आई सेलो हेरेड, मैं भी इसको सेलो कर दिया, मैंने हाँ में हाँ मिला दिया, इमेजिंग आई एग्री, मैं भी सहमत हो गया, हाँ हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा जगह था। लेकिन ये काहे को देखो, ये कहीं गए थे ना, वाशिंगटन से इनका संबंध था, ना VIP से कोई संबंध था, ना हजरत अली से कोई संबंध था, और ना इनको किसी से कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक इसमें एक दिखाया गया एक साहसी व्यक्ति किस तरह अपने कला और अपने छल के बल से किसी से मिल सकते हैं। उसके बाद से देखो, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, और मैंने हजरत का नाम सुना है ना, आई हैड स्टिल एब्रोड ओल्ड एच बी, अभी वो कहाँ पर होगा, ओल्ड एच बी बूढ़ा हजरत अली, वो एब्रोड अभी विदेश में होगा। एंड वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी, वो डाइंग कोशिश कर रहा था ड्रैग मी, खींचने के लिए फॉरेन मिनिस्टर, मुझे विदेश में मंत्री, भले विदेशी मंत्री से मिलाने के लिए मुझे ड्रैग मी, मुझे खींच रहा था, लेकिन मैं काहे को जाने वाला हूँ, विदेश मुझको बुला रहे थे लोग। देखो यहाँ पर फिर लाइन को समझ रहा, एंड जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी, मुझे खींचने के लिए वो मर रहा था, मतलब टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश की मंत्री, विदेश की मंत्रियों से मिलाने के लिए, लेकिन द स्टेडी गुरगुल वाज हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, और गुरगुल की जो आवाज रही थी हुक्का का, ये बात जब सुना हजरत बरकत अली का, तो अचानक रुक गया, अचानक वो रुक गया कि बापी कैसा व्यक्ति है भाई, कि हजरत बरकत अली का भी नाम जानता है। What did you say? तुमने क्या कहा? देखो ये कुछ कहा नहीं है, लेखक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन तभी नानू काका पूछ रहा है, What did you say? तुमने क्या कहा? नानू काका asked, नानू काका मुझसे पूछे, although यद्यपि I hadn't even opened my mouth, मैंने तो अपना मुंह तक भी नहीं खोला भाई, मैंने तो अपना मुंह तक भी नहीं खोला, और जब देखा कि हुक्का की आवाज़ रुक गया, तो तुमने क्या कहा, ये बातवा कौन पूछ रहा है, नानू काका पूछ रहा है, किससे, अपने भगिना से, लेकिन भगिना बेचारा तो अपना मुंह तक भी नहीं खोला है। Why didn't I stay back, क्यों नहीं मैं रुका यहाँ पर, यू नो, तुम जानते हो, हाउ, कैसे, कि इट वॉज विथ एच बी कैसा था, द लास्ट टाइम, अंतिम बार, वेन ही वॉज इन द जेनेवा, वो जेनेवा में था मेरे साथ, अंतिम बार कहाँ में था, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, यानी राजधानी है, याद रखना, वहाँ पर था। देखो अपने आप को कितने बड़े फेंक रहे हैं और किस तरह लपेट रहे हैं, इतना कि अब देखो वहाँ भी रुक गया, वे जेनेवा में था, ये जो तुम जानते हो, जो वो मैंने बूढ़ा एच बी था, वो जेनेवा में मेरे साथ था। एक बात कैसे, कुछ बोला भी नहीं आप, लेकिन आरोप किस पर थोप रहा है, अपने भगने पर, देखो तुम जेनेवा में था, तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद देखो, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक, वहाँ पर मुझको कॉटन टॉक की बात हो रही थी, कपड़ों की, कॉटन, सूती की बात चल रही थी। बिसाइड इसके अलावा, फॉर द बॉम्बे, और बॉम्बे से, इसके अलावा बॉम्बे से, एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, बॉम्बे से हमको नहीं, एसके ना केबल पर केबल भेज रहा है हमको, आ देखो हम आज आ गए हैं इनसे मिलने। ये काहे खाती बोल रहा है कि प्रभाव डाला रहा है, प्रभाव डाल रहा है कि ताकि वाई, देखो, डेट वाज द मोमेंट उछी सन सोहन लाल रतिराम कैम वेडिंग ऑफ द इनर रूम, उसी समय बात सुनते सुनते सोहन लाल रतिराम कैम, रतिराम सोहन लाल वही रतिराम आए, वेडिंग आउट बाहर निकले, वेडिंग मतलब हिलते डुलते, इनर रूम अंदर वाले रूम से क्या किए बाबू, बाहर आए, और उसके बाद से विथ द सेक्रेटरी एट हिज हील्स, और अपने उसके पीछे सेक्रेटरी भी आ गया, तो उनका सुरक्षा कर्मी भी आ गया। एंड फ्रॉम देन एवरीथिंग वाज द स्मूथ, और सब कुछ अच्छा से चलने लगा, इन द सेचरिंग कोर्ट्रेस, और थोड़ा मिठास भरी बातें हुई, एंड द
सीजनेड पॉलिटिकल कंप्राइजन, और जो राजनीतिक वाला बात थी वो भी चलने लगी। एज सुन एज जो ही द इंट्रोड्यूज वेयर ओवर, जही इंट्रोड्यूज ओवर हो गया माने परिचय हो गया, परिचय हो गया, तो सेक्रेटरी वाज सेंड बस्टिंग ऑफ द ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट एंड पान। तो सेक्रेटरी को कहाँ भेज दिया गया, तो सेक्रेटरी को ना सोहन लाल भेज दिए कि जाइए बाबू और तुम जाकर क्या करो, जाओ कॉफ़ी ले आओ, स्वीट पान ले आओ, और क्या ले आओ बउआ, स्वीट क्या ले आओ, स्वीट मीट मतलब मिठाई लाओ, एंड पान लेकर आओ, क्या करो पान लेकर आओ। ये सब कौन भेज दिया, तो ये भोला भेज दिया, सोहन लाल बाबा भेजा, ठीक है ना, इनके लिए लाइए, देखो इनका इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। इसके बाद से देखिए, दे स्प्रेड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार एंड वोट, हम लोग जमींदार के बारे में आए हैं और इससे बात कर रहे हैं। द वेदर ऑफ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग ब्रेस टिकट्स, इसके बाद कुछ देर तक मौसम पर बात चला। जब बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो थोड़ा मौसम का बात हो जाता है, जैसे गांव में देखते हो जब जो आदमी जाते हैं तो बोले आज का मौसम कैसा है, कैसा है थी, ये नहीं बोलते हो, शादी विवाह में सब देखने को मिलता है, जहाँ पर लोगों की समा होती है वहाँ पर मौसम पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ठीक इसी तरह वेदर फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक मौसम के बारे में बात चला, कौन सी तक बात चला, बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रास टैक, उसके बाद से। इसके ब्रास टैक का मतलब होता है किसी समुदिक चीज़ों पर बात करना। आई हेयर, मैंने सुना है, यू नो, तुम जानते हो हजरत बरकत अली, देखो ये बतावा कौन पूछ रहा है, सोहन लाल पूछ रहा है, क्योंकि सोहन लाल को ना, सोहन लाल जो था ना वो हजरत बरकत मलिक से ना क्या था, तो आगा कहानी में मिलेगा क्या था, उससे उसका छोटा मतलब जूनियर थी था, मतलब जूनियर मतलब उसको लीडर बोलो, ठीक है ना, इसीलिए बोला कि क्या तुम किसको जानते हो, आई हेयर इट, मैंने सुना है, यू नो, तुम जानते हो हजरत बरकत अली को, वेल, अच्छा, सोहन लाल सेड विथ द इनहेरिटिंग ग्रीन, सोहन लाल ये बात कहा ना, तो विथ द इनग्रेंटरिंग ग्रीन, उनकी जो ग्रीन है ना बाबू, उनकी दांत उसकी जो है ना पूरा हंसते हुए कहा, कौन सी कहा, उनकी दांत दिखाते हुए ये बात कहा, क्या तो अच्छा, ओ तब देखो ये क्या बोल रहा है नानू का, ओ ओल्ड एच बी, वो पुराना एच बी की बात कर रहा है, हाउ, कैसे, डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो, ये तो बतवा खूब जान रहा था, हम बाहर फेंक रहे थे तो सुन रहा था अंदर आवा, तो ये देखो कैसे बोल रहा है, देखो, हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो, आई नो एच बी, मैं भी एच बी को जानते हो एक्चुअली, वास्तव में, यू आर एट द स्कूल, वो हमारे स्कूल में पढ़ता था हमारे साथ, यहाँ का मतलब हुआ कि हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, मैंने स्कूल में थे मतलब स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, टुगेदर मतलब साथ में, ऑलवेज रिग्रार्ड मी एज ए शॉर्ट एल्डर ब्रदर, वो हमेशा मुझे बड़ा भाई रिग्रार्ड करता है, मानता है, तुम पूछो कैसे जानते हो, हमेशा हमको बड़ा भाई मानता है भाई, है, और साथ में स्कूल में पढ़ते थे, देखो अपने आप को कितना उससे बड़ा रिलेशन हार्ड जोड़ रहा है, एच बी मतलब हजरत अली बरकत अली, ठीक है ना, एच बी मतलब हजरत बरकत अली, रेदर टचिंग रियली, ऐसे करते में इवेंट टुडे, और आज सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन बेड आउट माई क्वालिटिंग मी, और मेरा मेरा निर्णय कि आज तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है, बिग डिसीजन नहीं लिया है, देखो वो मेरा बड़ा भाई मानता है, और आज तक बिना कोई निर्णय के हमको आज तक कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया है, व्हेन द पीएम ऑफर हिम इमरजेंसी, मैंने उसको पीएम का ऑफर दिया, देखो मैंने उसको कोई का ऑफर दिया, पीएम का ऑफर दिया, उसके बाद देखिए इमरजी इम बिजली हु डू यू थिंक, क्या तुम कभी सोचते हो, हैड ए मेकअप एच बी मेकअप करे हैं, सेम माइंडेड फॉर यू, वो मेरे लिए दिन पर हमेशा काम करेगा, ओह यू डेट्स राइट माई गुड ओल्ड एच बी, बहुत अच्छा आदमी है, तो अब देखो ये क्या कर रहा है, हा 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 हा, कौन हंस रहा है, रावण की आवाज़ नहीं है, हा हा हा, सोहन लाल हंस रहा है, लाफेड सोहन लाल नाउ द शोइंग ऑल हिज पेन, उनकी पूरे दांत, हिज पेन स्ट्रेंथ टीथ, उनकी दांत में ना जितनी भी ना पान के जो अथी लगे हुए थे वो सब दिखाई दे रहे थे, एकदम सोहन लाल एकदम हा 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 हंस रहा है कि वाह अब तो हमारा बड़ा अच्छा आदमी से भेंट हो गया, चलो ये तो हम एच बी के खोज रहे थे, आई एच बी के तो मतलब ये तो गुरुए निकल गया, एच बी का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट, एच बी माना बोलो हजरत बरकत अल कदरी, बहुत अच्छा, ठीक है ना, कहानी देखिए कहाँ तक जा रही है। उसके बाद से देखिए बोल रहा, उसके बाद डेट्स राइट मी, अच्छा हाँ अच्छा बोल दिया तब पढ़ दिए, इन डेट केस, इसी बीच में इट इज लॉकी डे, ये मेरे लिए भक्साली दिन है आज का, ये मेरे लिए भक्साली दिन है, सोहन लाल बोल रहा है डेट की, यू हैव कम टू माई द हम्बल हाउस, मेरे हम्बल हाउस में आप मेरे गरीब खाने में आप लोग आए, देखो जहाँ पर
एथी का रूम है, वाइट कूल रूम है, एसी वाला रूम को बोल रहा है कि मेरे गरीब खाने में आप लोग कहाँ से आ गए हैं, आज मेरे लिए लक्की डे है, भक्साली डे में। देखो देखो अब इसके बाद से देखो, वेरी लक्की, बहुत भक्साली देन है, बिकॉज माई सोन, मेरा बेटा। अब कहानी इसमें थोड़ा जुटेगा, देखो मेरा बेटा ही इज द बैलेंस मिनिस्टर है, और वहाँ पर बैलेंस मंत्री हुआ करता था। बैलेंस मंत्री का हुआ माने माप तोल कर, माने हिसाब करने वाला मंत्री, कौन सी मंत्री, हिसाब करने वाला मंत्री हुआ करता था। किसके पास, तो एच बी आई के पास, एच बी माने एच बी के पास हिसाब करने वाला मंत्री हुआ करता था। ही इज गोइंग एज द ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वो हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर के रूप में गया था, एक व्यापार के रूप में गया था। बट यू नो, तुम जानते हो हाउ, कैसे, देयर आर द व्हील विथ इन ऑफ द व्हील्स, कैसे कैसे हुआ, सम वन सीमेंट टू द ही हैव पॉइजनेड ऑफ द एम्बेसडर माइंडेड अबाउट माई सोन, कोई ना मेरे बेटे के प्रति न उसके कान में न एम्बेसडर राजदूत में न जौहर भर दिया, क्या भर दिया, मैंने फिर भी लाइन को समझ रहा, कहानी क्या बता रहा है, साइंस समझ में आ रहा है ना, कि मेरे बेटे के प्रति ना कोई व्यक्ति ना क्या कर दिया, एम्बेसडर कोई राजदूत ना जहर भर दिया, किससे, एच बी से, वर्ल्ड एच बी से। मेरा बेटा वहाँ पर एक बैलेंस मिनिस्टर हुआ करता था, कौन मंत्री हुआ करता था, ना सोहन लालवा बोल रहा है नानू काका से, देखो सोहन लाल बोल रहे हैं नानू काका से कि मेरा, सोहन लाल नानू काका से बोल रहे हैं कि मेरा जो मंत्री, मेरा बेटा था तो वो क्या 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 रहता था, तो बैलेंस मिनिस्टर था, किसके पास, तो हजरत बरकत बोला, और किसी ने क्या किया, पॉइजन भर दिया मेरे एम्बेसडर राजदूत के कानों में, किसी ने राजदूत के कानों में पॉइजन भर दिया, मतलब उल्टा सीधा सिखा दिया। देखो उसके बाद कहानी क्या बता रही है, अबाउट सम ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्नेशन सुप्रीम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से इसलिए क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, एक्चुअली इट वाज द परफेक्टली लीजिमेटमेट, ये बहुत गलत हुआ, अनिश्चित रूप से बहुत गलत हुआ, पता, अब इसको मतलब कहने का मतलब ये है ना कि ये तो भाई पैरवीदार है, तो मेरा बेटवा जो हटा है बैलेंस कोची से, बैलेंस मिनिस्टर से, तो फिर भी नानू काका फिर से उस जगह वहाँ पर रखा देगा, तभी ना आया हजरत बरकत अली का, लेकिन इसका तो दूर दूर तक उससे हजरत बरकत अली से संपर्क नहीं था, हाँ इसका संबंध था नानू काका का, जो दूर दूर से संबंध था नहीं था। अब मनोहर मंगल का लेखक था उसमें साथ में था, वहाँ पर एगो ना जोधपुर के कपड़ा पहनकर ड्राइवर के रूप में वहाँ पर गया था वह, समझ में आ रहा है कहानी। चलो अब इसके बाद से देखिए, नानू काका वेबेड अवे ऑफ द फ्रेडिंग एक्सप्लेन, नानू काका भी एक्सप्लेन किया, डेट शुड बी क्विट सिंपल, ये सिंपल सा बात हम हमारे लिए बोल रहे हैं, अरे सिंपल सा बात, यू अनाउंसमेंट, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, आई विल राइट द टेल एच बी, ठीक है ना, मैं एक पत्र लिख दूंगा बूढ़े एच बी के पास, क्या कोची के पास, बूढ़े एच बी के पास मैं को पत्र लिखूंगा, आ टू डू इट ना, मैं सही करेगा, जैसे मैं बोल दूंगा तुम्हारा बेटा के कौन रखा होना, कौन बड़ बड़का बात है, डोंट, देखो बोला है उसके बारे, डोंट थैंक मी एट ऑल, हमको धन्यवाद मन दो, आफ्टर यू आर द, यू आर द, यू आर मैन ऑफ द पब्लिक साई, हम लोग पब्लिक साई मतलब हुआ समाज के नज़र में, समाज के जनता के नज़र में, मस्ट डूइंग अप फॉर द एनोदर, हम दूसरे का ऐसे ही हम लोग काम करते हैं, हा हा हा, वन गुड टॉर्ड डिसर्वे ऑफ एनोदर, और एक तरफ से दूसरे तरफ से क्या होने लगा, बात होने लगा, ठीक है। चैप्टर देखो इसके बाद कौन है, आज कौन चैप्टर पढ़ाई हुआ, देखो तो काउंट करो तो शुरू से, चार गो हो गया ना, हाँ तो कल और हो जाएगा, ठीक है, कितना पैराग्राफ है आपका, 53 से न पढ़ाना है, 53 से नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ा देंगे, और एक्सप्लेन में अगर कहीं दिक्कत हो, समझ में ना आए तो बोलिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव गुड स्टडी, हैव लकी डे।